हो रहा था उसी सारस पक्षी और वीडियो जो वायरल हो रहा था आरिफ जी से मुलाकात करने के लिए अखिलेश जी आए हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये उनकी जो बातें थी वो किस तरीके से इन्होंने जाना और कैसे आज ये मुलाकात करने। मैं सबसे पहले आरिफ को बधाई दूंगा और बधाई इसलिए दूंगा कि एक सारस जिसको छोटा भी नहीं उसको इन्होंने बचाने का काम किया। बचाने के साथ साथ इन्होंने कम से कम पक्षी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को समझ करके सारस इनका मित्र बन गया और सारस का मित्र बनना एक बड़ी बात है। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं हम सब में जीवन है, हम सब चलते फिरते हैं, लेकिन वो सारस का कोई मित्र नहीं बन पाया। मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ और आरिफ के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को और खासकर जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ से लगाव है, जिन लोगों को पंछी चिड़ियों से लगाव है, उन लोगों को आरिफ का भी एक संदेश है कि हमें बचाना चाहिए उन्हें। और ये बचाने का काम मुझे याद है कि सारस के लिए समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था और सारस क्योंकि हमारी स्टेट बर्ड भी है, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि हमारे स्टेट बर्ड अगर कोई है तो यही सारस क्रेन है। अगर हमारा मोर नेशनल पक्षी है तो स्टेट का हमारा पक्षी अगर कोई है तो वो सारस क्रेन है। जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में बड़े पैमाने पर सारस है और अक्सर खेतों में उनके अंडे रहते थे, पानी के किनारे अंडे रहते थे, अंडे टूट जाते थे, सारस नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सारस मित्र के माध्यम से समाजवादी सरकार में सारसों की गिनती बढ़ी और वहीं सारस मित्र जो बनाए थे गांव गांव के जो नए नौजवान बच्चे लड़के या लड़कियां जो इसमें रुचि रखती थीं उनको सरकार की तरफ से मदद करते थे। मुझे याद है मैंने इंटरनेशनल सारस के लिए कंजर्वेशन के लिए कार्यक्रम किया था जिसमें 11 देश के लोग आए थे और 11 देश के लोगों का आना बड़ी बात थी प्रदेश में। उसी समय पर चंबल के किनारे बर्ड्स बहुत हैं तो बर्ड फेस्टिवल कराया था और जो ब्रिटेन का ब्रिटिश जो सबसे बड़ा उनका बर्ड फेस्टिवल होता है ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल उससे MOU कर करके 3 साल बर्ड फेस्टिवल कराया गया। ये लगातार काम समाजवादी सरकार में हुआ। इसके लिए रिसर्च कंजर्वेशन के लिए एक एकेडमी बनाना, सोसाइटी बनाना, एक सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ था, वो काम इस सरकार में अधूरा है। मैं समझता हूँ आरिफ का काम देख करके सरकार की आंख खुलेगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो इस तरह का प्रचार हुआ है और मैं तो खुद आज आपके आने से पहले अमेठी पुलिस जो नामजद अभियुक्त उनको गिरफ्तार कर लिया है, आप पिछले 6 दिनों से उनको लगातार बोल रहे थे कहीं ऐसा नहीं तो आपके आने की सूचना पे उनको जल्द खुलासा कर दिया गया? नहीं, पुलिस को सब पता रहता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुलिस को न पता हो। अगर पुलिस को खुली छूट मिले, उन पर दबाव न हो, तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था और बेहतर हो सकती है और अच्छे अधिकारियों को अगर मौका दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन इस सरकार में लगातार लोग अपमानित हो रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं और एक पर नहीं और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें झूठा जेल में भेज दिया गया। तो ये नेता जी जिन्होंने साफ तौर बताया अगर कानून की व्यवस्था का सही तरीके से चलाना हो तो उनके अधिकारियों को पूरी तरीके से आगे चलो तो दबाव नहीं रखना चाहिए।